Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, good morning, welcome to testbook.com. So this is time for daily current affairs analysis. Yes guys, kaise ho sab log? Yes, hello everyone, I hope you all are doing great. Chalo, so today we are going to discuss very important news for the current affairs angle, current affairs analysis ke hisab se. Okay, jaise maine kal kaha tha ki for 2 or 3 days hum log MCQs ke upar baat nahi karenge session ke baad, to keval news ke through hum news ko go through karenge. News mein kya kya cheeze, exam mein kya kya questions aa sakte hain, wo sari cheeze hum log hamare lecture ke andar proper tarike se cover karenge. To once again good morning to everyone, kaise sab log? Okay, yes, I hope you all are doing great. So good morning all once again. We'll start with session. Session se start karte hain. Sabse pehli aur sabse important news jo aaj ke din mein hamare samne hai, and that news is regarding the IMF. Us IMF ke news ko dekhne se pehle aaj ka ek motivational quote dekh lete hain ki every morning we are born again. What we do today is what matters most. ये point हमेशा याद रखेगा कि preparation के वक्त में कभी कभी होता है कि एक दिन हमारा बहुत बुरा जाता है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, tension काफी build up होता है. So every morning is a very important morning. तो उसके हिसाब से हमें start करना है. और वही एक चीज याद में रखिए, that every day is equally important for your preparation. कभी ये मत सोचना आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे. आपकी preparation बहुत matter करती है. तो इसी गौतम बुद्ध के इस बेहतरीन quote के साथ start करते हमारे आज के सेशन को, आज के हमारे लेक्चर को. नाउ इकोनॉमी में ग्रो 11.5% इन फाइनेंशियल 2022, ऐसा आईएमएफ का कहना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे चीजों के ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं. नो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जल्दी से बता दीजिए आईएमएफ कब क्रिएट हुआ था, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे, और आईएमएफ के हेड कौन है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम दे दीजिए, देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं. नो आईएमएफ का ये कहना है दैट इंडियन इकोनॉमी अभी इस साल मींस फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर बात करते हैं, 2021 की, तो हमारी इकोनॉमी -8% पे जाएगी. तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो इकोनॉमी रिड्यूस हुई थी ये पूरे 2021 में, तो यहां पे हमारी इकोनॉमी -8% पे जा रही है. पर नेक्स्ट ईयर की जब बात करेंगे तो इट विल ग्रो बाय 11.5%. ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ है. पॉइंट याद रखिएगा कि यहां पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंडियन इकोनॉमी कितने पे ग्रो करेगी. आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये मैंने सेपरेट लेक्चर लेके आपके साथ डिस्कस किया था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रोल क्या होता है. आईएमएफ का एक सर्वे आता है, सर्वे का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द नेम ऑफ द सर्वे गिवन बाय आईएमएफ. एक और बार पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, आईएमएफ का सर्वे का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. याद रखना, एग्जाम में यहां पर भी क्वेश्चन पूछते हैं. okay, चलो यस यस ओके एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया. ओके यस यस, क्रिस्टिना जॉर्जीवा इज द हेड. ओके, वॉशिंगटन डीसी में उनका हेडक्वार्टर है. 1945 में इन्होंने काम करना शुरू किया था आईएमएफ ने. ओके, गीता गोपीनाथन इनके चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये भी पॉइंट हमारे दोस्त ने बता दिया. अमेजिंग, एब्सोल्युट राइट. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनके सर्वे का नाम है, ये भी पॉइंट याद रखेगा. हर 6 महीने बाद सर्वे आते हैं और जिसमें ये हर इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं. अब उनका प्रेडिक्शन क्या है देखिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर शायद हमारा जो ग्रोथ है वो 5.4% रहेगा. कि आईएमएफ कह रही है 11.5% रहेगा, तो आईएमएफ ने काफी जेनरस ग्रोथ दिखाई है इंडिया की. 11.5% बहुत बड़ी बात है. कि अभी की बात करते हैं, इस साल की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट होगी. कि आईएमएफ ये कह रहा है कि 8% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि -7.7% से कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो याद ध्यान रखिएगा, नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग -7.7, के आईएमएफ इज सेइंग 8%, वर्ल्ड बैंक इज सेइंग 9.6%. नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए वर्ल्ड बैंक के पास फिगर है 5.4% से ग्रो होगा, 11.5% से ग्रो होगा ऐसा आईएमएफ कहती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स बजट में आएंगे, तो बजट आने से पहले ये बहुत अच्छी बात है कि आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखाई है. आईएमएफ का ये कहना है पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड 5.5% से ग्रो करेगा. तो पूरे वर्ल्ड के लिए 5.5% और इंडिया के लिए 11.5%, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है. गाइज, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हम लोग मिस करते हैं, कि बिल्कुल मिस नहीं करना है. और एक और चीज, ये प्रेडिक्शंस है, प्रेडिक्शंस ये आज दिए हुए, पर किन के प्रेडिक्शंस याद रखने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मूडीज, एसएनपी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके तरफ ध्यान रखिएगा। वैसे ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा कि आईएमएफ कहां पे है, उनके हेड कौन है, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ये सारा पॉइंट हमने देख लिया। अब देखिए आईएमएफ क्या कहता है, आईएमएफ का क्या कहना है स्पेन के बारे में, और भी बहुत सारी कंट्रीज की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। स्पेन की बात करेंगे -11.1 के, यूके -10.0, इटली -9.2 के, यहाँ पे चाइना की बात करते 2.3। चाइना एक लौता कंट्री है जो फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अकेला कंट्री जो पॉजिटिव में चल रहा है वो है चाइना +2.3। बाकी सारी कंट्रीज माइनस में जा रही है, पूरा वर्ल्ड भी माइनस में जा रहा है। तो ये जो इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्शन है, कल भी हमने एक न्यूज देखी थी, आपको बताऊंगा कि एफडीआई सबसे ज्यादा ये चाइना के अंदर गया हुआ है। तो चाइनीज इकोनॉमी इज डूइंग वंडरफुली स्ट्रांग, ओके, सबको वायरस में घुसा दिया और खुद की इकोनॉमी प्रॉपरली बची हुई है। पर स्टिल 2021 की बात करें तो चाइना केवल 8.1% से ग्रो करेगा, इंडिया 11.5% से ग्रो करेगा। तो इंडिया की ग्रोथ ये चाइना से भी ज्यादा रहेगी, ये भी आईएमएफ ने कहा हुआ है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखना। सो अब पर एक और चीज है, ये प्रेडिक्शंस बहुत बड़े, प्रेडिक्शंस बड़े बड़े ही क्रूशियल प्रेडिक्शंस है, पर ये प्रेडिक्शंस है फाइनली, ओके। क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें अभी भी नहीं पता, के पता चला कोई दूसरा वायरस आ गया तो और हालत खराब हो जाएगी, 11.5 का -11.5 हो सकता है, पर होप करते हैं ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ सही तरीके से चले और इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे, दैट इज अ सिनेरियो। अभी जो बाकी कंट्रीज के जो प्रोजेक्शंस है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये वर्ल्ड वाला प्रोजेक्शन एक बार देख लीजिएगा, पर बाकी कंट्रीज के प्रोजेक्शंस आपने नहीं देखे तो भी चल जाएगा। बस ये आपके जानकारी के लिए, बस एक कंपैरिजन के लिए यहां पे पॉइंट डाल के रखा हुआ है, ठीक है। दे आर आस्किंग अस, ओके, आस्किंग इज अ डिफरेंट सिनारियो, आस्किंग के ऊपर हमें कोई न्यूज नहीं बनती, के वो तो हम फाइनेंशियल समाचार के अंदर डिस्कस कर लेंगे, के अरुण डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स का हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अलग से सेशंस रहेंगे, जहां पे यूपीएससी हर एग्जाम के एंगल में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज ये लेक्चर्स होने वाले। सेक्शन वाइज मींस हम वीक के तो बात करेंगे, पर साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन सी थी, के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से थे, इन सारे एंगल्स में एक सेपरेट स्पेसिफिक लेक्चर्स इस बैच के अंदर होने वाले। इस बैच को भी आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड, अगर आप ये कोड यूज करते हो के पुष्पक पी, तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। ये कोड आप हर बैच में यूज कीजिए, किसी भी सिलेक्ट के बैच में ये कोड आप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। यूपीएससी ईपीएफओ की बैच बात करते हैं, उसका भी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी आप इस कोड को यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये कोड मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, के याद रखना एवरी मॉर्निंग इज अ फ्रेश मॉर्निंग। तो उसी फ्रेशनेस से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ का न्यूज हमने देख लिया, वो न्यूज काफी क्रूशियल और काफी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते, अभी काफी अब थोड़ी सी सिंपल न्यूज रहेगी और बाद में हम बड़े न्यूज के ऊपर बात करेंगे। नाउ तटरक्षक मेडल्स, ये रिपब्लिक डे के ओकेजन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। तटरक्षक मेडल्स ये कोस्ट गार्ड्स को मिलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स को ये मेडल दिए जाते हैं, इसको तटरक्षक मेडल कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो है कि उनका गठन कब हुआ था, वो कब से उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो एस्टैब्लिश कब हुए और उनका हेडक्वार्टर कहां पे है। कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, इंडियन नेवी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो हमारा जितना भी बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री है, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ये हमारे कोस्ट गार्ड्स की होती है। तो कोस्ट गार्ड्स के लिए मेडल्स होते हैं और उसको तटरक्षक मेडल्स कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। 1990 से हमने मेडल्स देना शुरू किया था कि, और ये मेडल्स अभी प्रेसिडेंट साहब के हाथों से दिए गए। मेडल्स किसको मिले उनका नाम भी हमारे पास है, देखिए प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल जो सबसे बड़ा होता है वो देवराज शर्मा और अरुण श्रीवास्तव इनको मिले हुए के। तटरक्षक मेडल गैलेंट्री अवार्ड जो है वो अनुराग कौशिक, प्रताप नारायण, यदुराज यादव और रवि कुमार साहब को है। और तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विसेज उसके लिए डीआईजी कैलाश नेगी एंड सोमलाल इनको अवार्ड दिया गया है। अब इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद रखना तीन तटरक्षक मेडल होते हैं, प्रेसिडेंट मेडल
ओके देन गैलेंट्री मेडल और दूसरा मेरिटोरियस सर्विसेज, ये सारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होते हैं जिसको 1978 में हमने क्रिएट किया था. ओके 1978 में हमने उसको क्रिएट किया हुआ है. यस एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युट राइट. ओके 1978 में हमने उसको बनाया हुआ है. ओके वैसे तो दिल्ली से काम करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, पर कोची के अंदर, कोची कोची की बात करेंगे, कोची में उनका एक मेन ऑफिस है जहां से नॉर्मली उनकी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, सारे बड़ी चीजें वहां पे की जाती है. दिल्ली तो है, नो डाउट अबाउट दैट, दिल्ली में मेन ऑफिस है, सारे बड़े लोग दिल्ली में बैठते हैं. पर कोस्ट गार्ड्स की बात करें तो कोची से उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस है जहां से नॉर्मली सारे वर्क होते हैं. एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपको ये इंडियन, सपोज ये इंडियन लैंड बाउंड्री है, ये इंडियन लैंड बाउंड्री है, यहां पे आपका सी स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये आपका सी है. ओके नाउ सी में बाउंड्री होती है, मैंने आपको बताया था कि सपोज ये लैंड है, लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स, लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं. ओके फिर लैंड से 24 नॉटिकल माइल्स, ओके सपोज ये आपकी लैंड है. ओके सो यहां पे 12 नॉटिकल माइल को हमने नाम दे दिया टेरिटोरियल वाटर. ओके यही लैंड है. ओके यहां से 24 नॉटिकल माइल्स टोटल पूरा 24 नॉटिकल माइल्स इसको हम कहते हैं कंटिजेंट वाटर, मीन्स यहां से आगे और 12 इसको हम कंटिजेंट वाटर कहते हैं. और यहां से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड कहते हैं हम लोग, ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सॉरी इसके बाद आपका इंटरनेशनल वाटर्स आएगा. तो ये 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर, यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है. ओके कंटिजेंट वाटर का मतलब है कि एक बीच वाला फेज है जहां पे नॉर्मली हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा जहां पे नॉर्मली जो एक्सप्लोरेशन है सी के अंदर या कोई इंटरनेशनल शिप जा रही होगी यहां से जा सकती है. ये सारे वाटर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नेवी के पहले इंडियन कोस्ट गार्ड्स की होती है. तो फ्रंटलाइन डिफेंस जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड्स करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है और इन्हीं के ये मेडल्स यहां पे दिए गए हैं. सो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा. 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, ओके 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर. ओके 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ये भी एक पॉइंट याद रखना. जस्ट आपकी जानकारी के लिए गूगल कर दोगे तो आपको पहले ही सामने ही मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. पर 12 नॉटिकल माइल्स, देन 24 नॉटिकल माइल्स एंड देन 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है. और यहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड काफी मेहनत करती है. यहां पे हमने देख लिया कि भाई तटरक्षक मेडल किसको मिल गए, उनके नाम भी हमें पता चल गए. अब इनकी बात करते हैं, 1990 से हमने इनको डिलीवर करना शुरू कर दिया है और आज तक हम लोग देते हैं. दैट इज द ओनली सिनारियो. बाकी यहां पे बस इतनी न्यूज थी, सिंपल सी न्यूज है, पर पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ जाएंगे. के चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं. अभी न्यूज बड़ी बड़ी खूबसूरत सी न्यूज है. न्यूज तो बड़ी सिंपल है, यहां पे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यहां पे एक नई चीज होने वाली है, फ्रेमवर्क फॉर टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, आप देखो इमेज में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कंप्यूटर से कोई तो आपको चेक कर रहा है, कंप्यूटर से कोई तो आपके साथ आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो रहा है, उसको हम टेलीमेडिसिन कहते हैं. इंडिया में टेलीमेडिसिन काफी सालों से, मींस आज लगभग 10 से 12 साल हो रहे हैं कि इंडिया में हम लोग टेलीमेडिसिन यूज करते हैं. टेलीमेडिसिन का मतलब है आप किसी दूर दराज के एरिया में के, और डॉक्टर ऑनलाइन तरीके से आपको चेकअप कर रहे, बिकॉज हर डॉक्टर आपके शायद विलेज ना आ पाए, पर अच्छे डॉक्टर्स आपसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उसको हम टेलीमेडिसिन कहते हैं. ओके अभी हमारे हर्षवर्धन साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए कि कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और स्ट्रोक, जो भी होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स है, कैंसर, डायबिटीज या आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स, उनको ट्रीट करने के लिए हम टेलीमेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे. तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है. ओके नॉर्मल डिजीज के लिए ठीक है, पर कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज के लिए बहुत बार दिक्कत जाती है. एंड दैट्स व्हाई दे अनाउंस दैट कि अभी हम लोग टेलीमेडिसिन यूज करने वाले हैं. ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल रहेगा. देखते चलो यहां पे बात करते हैं. डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, आपको पता है, मुझे बताइए हर्षवर्धन साहब के साथ पास ना एक और मिनिस्ट्री है, एक और बड़ी मिनिस्ट्री है. कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे हर्षवर्धन साहब के पास, कौन सी और मिनिस्ट्री है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. कि अभी रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के आईसीएमआर की ब्रांच है बेंगलुरु के अंदर, के उसके फाउंडेशन डे की स्पीच में हर्षवर्धन साहब बात कर रहे थे. के देखिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, इनकी जिम्मेदारी होती है ये जो कैंसर है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है इनके ऊपर ये लोग रिसर्च करेंगे, अपना पेपर प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन करेंगे कि बार बार ये लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते इसलिए टेलीमेडिसिन का यूज किया जाए, ऐसा हमारे हर्षवर्धन साहब ने कहा। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु। याद रखना जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है या फिर NCDIR के इसका हेडक्वार्टर कहां पे, याद रखना। हर्षवर्धन साहब की बात की थी, यस साइंस मिनिस्ट्री, एब्सोल्युटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अर्थ साइंस भी उसी के अंदर आता है। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए टेलीमेडिसिन, अपना एक और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि रिसेंटली टेलीमेडिसिन में कौन से डिजीजेस ऐड करने की बात गवर्नमेंट ने की है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम्स की बात की गई है, इसके अलावा डायबिटीज की बात की है, एंड दे मेंशन दीस थिंग्स इनटू द टेलीमेडिसिन सिनेरियो। इतना ही न्यूज है, बाकी न्यूज में ज्यादा कुछ नहीं है, पर भाई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा है। हेल्थ वाली कोई भी न्यूज रहे उसको स्किप मत करना, एटलीस्ट फॉर कमिंग 6 or 7 months हेल्थ वाले न्यूज को स्किप मत करना, एग्जाम गेम बहुत क्रूशियल रहेगा। कहां पे क्वेश्चन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। टेलीमेडिसिन कैन ब्रिज द एंड लिंक ऑल द दिस एस्पेक्ट्स एंड कैन बी अडॉप्टेड यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर प्राइमरी टर्शरी हेल्थ केयर लेवल इन इंडिया। नाउ यहां पे लिखा है प्राइमरी टू टर्शरी हेल्थ केयर, अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज आयुष्मान भारत की जब बात करते हैं तो आयुष्मान भारत के वक्त में, जब भी आप आयुष्मान भारत वाली स्कीम आपने पढ़ी होगी ना, जहां पे 5 lakh का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। चलो मुझे एक मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं, ये जो आयुष्मान भारत है कि जिसमें हम 5 lakh का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, यही स्कीम किस नाम से हम जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर बैठे हैं, कि अभी हमने जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत का एक वर्जन इंप्लीमेंट किया, कोई बताएगा मुझे कि आयुष्मान भारत की जो स्कीम हमने जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट की उसका नाम क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ आयुष्मान भारत के अंदर गवर्नमेंट ने यह मेंशन किया है कि जो 5 lakh का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं रहेगा, कि उसमें सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर रहेगा। अब बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर। ओके, तो ये भी एक बार लगे हाथ कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल डायग्नोसिस, नॉर्मल हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर्दी खांसी हुई होगी तो डॉक्टर आपको चेक करेंगे और आपको बोलेंगे हाँ भाई ये मेडिसिन ले ले चला जा, इसको प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। सेकेंडरी हेल्थ केयर का मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहां पे आपकी ब्लड टेस्ट होगा, आपका MRI, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर आएगा। और टर्शरी हेल्थ केयर का मतलब है कि भाई आपकी सर्जरीज की जाएगी या बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट जो होती है वो टर्शरी के अंदर आएगा। तो आयुष्मान भारत सेकेंडरी और टर्शरी कवर करेगा बिकॉज इंडिया में प्राइमरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंडिया में प्राइमरी पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकेंडरी टर्शरी महंगा हो रहा था इसलिए 5 lakh का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। टेलीमेडिसिन जो अभी हर्षवर्धन साहब ने कहा है वो तीनों के लिए काम करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। के सेहत स्कीम, एब्सोल्युटली राइट, सेहत स्कीम इज द नेम गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आयुष्मान भारत इन जम्मू एंड कश्मीर। बजाज आलियांस के साथ मिलकर सेहत स्कीम को इंप्लीमेंट किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, यह भी पॉइंट हमने देखा था। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, लगे हाथ चलो मुझे बता दीजिए कि भाई कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए मिनी हब्स क्रिएट किए, मिनी हब्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कौन से स्टेट ने क्रिएट किए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उस स्टेट के बड़े सिटी में पहले स्टार्ट किया गया है, तो मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिए कि भाई कौन सा स्टेट है जिसने मिनी हब नाम से डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अपने सेंटर्स ओपन किए है। तो यह भी एक क्वेश्चन है, रिवाइज हो जाएगा और उसका आंसर भी आप लोग दे दोगे, जल्दी बताइए फटाफट बता दीजिए। यस यस यस, बहुत बढ़िया। शार्दुल ठाकुर के पास इतना टाइम होता तो भाई मैं खुशी से नाच उठता। के चलो यस, तेलंगाना की बात करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, आई एम वेरी इंप्रेस विथ यू गाइस। ओके, एब्सोल्युटली राइट, तेलंगाना की बात करेंगे। मिनी हब हमने देखा था, मिनी हब्स जहां पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स क्रिएट किए गए हैदराबाद के अंदर, बहुत बढ़िया वंडरफुल सिनेरियो। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, नाउ क्लाइमेट एडेप्शन समिट, कि अब ये समिट इस बार ना ऑनलाइन ही हो रही है, क्लाइमेट एडेप्शन समिट है, इस बार ऑनलाइन हो रही है। नेदरलैंड्स ने इसको होस्ट किया है, सबसे बड़ी बात है कि नेदरलैंड्स ने होस्ट किया, पर सारी समिट ऑनलाइन हो रही है और मोदी साहब ने यहां पे अपना भाषण दिया है, अपना स्पीच वो यहां पे दे रहे हैं, कि याद रखेगा। नाउ यहां पे क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन सिंपल है कि क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 होस्ट किसने किया है, होस्ट कंट्री है नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स होस्ट कंट्री है, पर सारा का सारा समिट ये ऑनलाइन हो रहा है।
ठीक है, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर एनवायरमेंट वो अलग है, वो तो ग्लासगो में होगा के, वो तो यूके के अंदर होगा, ये आपका क्लाइमेट समिट था, याद रखेगा ओके। और यहां पे मोदी साहब का स्पीच है, नेदरलैंड्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, दैट इज द ओनली सिनारियो। अब देखते हैं मोदी साहब क्या कह रहे हैं के, नाउ वी आर टारगेटिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा कि 2030 तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें रिन्यूएबल से जनरेट करनी है, 450 गीगावाट। ये पॉइंट मोदी साहब ने मेंशन किया है अपने भाषण में, अपने स्पीच के अंदर, और जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्रूशियल पॉइंट है, इसमें गलती मत कीजिएगा। नेदरलैंड होस्ट कंट्री है, आपने भी ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया। मोदी साहब के भाषण में मोदी साहब ने क्या कहा, ये हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। वी आर प्रमोटिंग एलईडी लाइट्स एंड सेविंग 38 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एनुअली, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात याद रखिए, देखिए हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है के, आप में से कुछ उनको बहुत फॉलो करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, वो पॉलिटिक्स का पार्ट है ओके। बट जब हमारे कंट्री का कोई हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हर वर्ड की तरफ ध्यान रखने है, स्पेशली एग्जाम के लिए, बिकॉज वहां पे अपना एजेंडा मेंशन कर रहे हैं, वहां पे भाषण नहीं हो रहा है, वहां पे एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। तो जो भी पॉइंट्स यहां पे मोदी साहब ने मेंशन किए वो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन करके आ सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के, एलईडी लाइट्स यूज करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 38 मिलियन टन से कम कर दिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है के, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, याद रखना के। सो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद वी आर गोइंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 के। आपको याद है हमारे पास अफॉरेस्टेशन नाम का फंड है, कैंपा फंड, हमने उसके ऊपर बात की थी, ओडिशा सबसे ऊपर है अफॉरेस्टेशन के लिए, हमने वो डिस्कस किया था। देन वी आर प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल टू 80 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स एंड वी आर कनेक्टिंग 64 मिलियन हाउसहोल्ड्स विद अ पाइप्ड वाटर सप्लाई के। जल शक्ति मंत्रालय की बात करते हैं, रूरल हाउसहोल्ड की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना हमारे पास है के, हम बात करते हैं 26 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड, कैंपा फंड की बात करेंगे, एलईडी लाइट्स के उसके हमने डिस्कशन कर लिया, और 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। सो ये सारे पॉइंट्स मोदी साहब ने इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की, जिस कॉन्फ्रेंस को नेदरलैंड ने होस्ट किया है और जो ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है के। ग्रीन बॉन्ड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ग्रीन बॉन्ड इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ग्रीन बॉन्ड वो आरबीआई ने बताया हुआ था कि ग्रीन बॉन्ड वॉज गिवन बाय द आरबीआई के। सो यहां पे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट याद रखना ठीक है, पहले इसके तरफ ध्यान दो, पहले ये पढ़ लो, जहां पे जो जो पॉइंट्स लिखे वो आपके एग्जाम के लिए काफी क्रूशियल है ठीक है। चलो इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, ये जितने भी यहां पे पांच पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पांचों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर ठीक है। चलो नो देर इज नो सच काइंड ऑफ डेट के, देर इज नो सच काइंड ऑफ डेट के, ऐसा कुछ वहां पे डेट वाला सिनारियो नहीं है ठीक है, वो पॉइंट याद रखिएगा के। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिनारियो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, उजाला स्कीम, प्रियंका जी बहुत बढ़िया, उजाला स्कीम की हम बात करते हैं एलईडी लाइट्स के लिए के। चलो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे, नाउ अभी ये एक और चीज है, यहां पे भी हर्षवर्धन साहब की बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हमने एक न्यूज देखी थी जहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हमने टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आता है, आपका हार्ट प्रॉब्लम के, डायबिटीज की बात करेंगे, देन आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा की बात करेंगे और कैंसर की बात करेंगे, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो कम्युनिकेट हो रहा है, जैसे COVID-19 कम्युनिकेबल है के, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। पर नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो रहा है और जो नॉर्मली 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होते, पर इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है के। तो इसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सर्वे लॉन्च किया गया है, एंड दिस सर्वे इज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। एक टेलीमेडिसिन हमने देख लिया और यहां पे सर्वे की लॉन्चिंग हुई है, तो सर्वे भी हमारे लिए काफी क्रूशियल और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट याद रखना ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिए। While 2 in 5 adults have 3 or more risk factors in non-communicable disease in India, ध्यान दीजिए ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है के, जिनका यूपीएससी का एग्जाम है, जिनका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, जिनका नाबार्ड का एग्जाम है, जिनका सेबी का एग्जाम है, या ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे सोशल इश्यू ये कंसेप्ट आता है, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कंसेप्ट आता है, वो सब लोग ध्यान रखिए के।
एवरी टू इन फाइव एडल्ट्स, मीन्स अगर पांच लोग खड़े उसमें से हर दो लोग ऐसे होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उनको हो सकता है, आइदर हार्ट प्रॉब्लम होगी या फिर अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं। ये पॉइंट मेंशन किया, ये इंडिया की बात है, ठीक है। मोर देन वन इन एवरी फोर एडल्ट्स एंड 6.2% एडोलेसेंट वेयर ओवरवेट एंड ओबेज। भाई इंडिया में आजकल ओवरवेट का कंसेप्ट बहुत बड़ा हो गया कि जिम उसी के भरोसे चल रहे हैं कि लाइक वन इन एवरी फोर के एडल्ट इज ओवरवेट। और एडोलेसेंट की बात करें जो अभी यंग क्राउड है वो भी काफी ओवरवेट हो गया, एंड थैंक्स टू दिस COVID-19 लॉकडाउन में तो वजन तो अलग लेवल पे बढ़ा हुआ है। ये भी एक पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर एंड 9.3% एट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, देखिए 3 out of 10 एडल्ट के 10 में से 3 एडल्ट है जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, के हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, एंड देन ब्लड शुगर लेवल का या जिसको हम डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं ये भी एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। देखिए मोर देन 2 in 5 एडल्ट्स एंड 1 in 4 एडोलेसेंट वेयर डूइंग इनसफिशियंट फिजिकल एक्टिविटी एंड देयर एवरेज डेली इंटेक सॉल्ट वॉज 8 grams। दैट इज अ पॉइंट यहां मेंशन कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ये भी एक पॉइंट यहां मेंशन किया गया, याद रखेगा। देखिए ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएगी, बस मेरा सजेशन आपको ये कि इन स्लाइड्स को ना एग्जाम के पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। जब ऐसे राइटिंग आएगी आपको, सपोज हेल्थ को लेके ऐसे राइटिंग आ गया तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। दूसरा, ये सर्वे किसी एनजीओ ने नहीं दिया, ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है तो ये सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी मेडिकल जर्नल का सर्वे नहीं है, किसी एनजीओ का सर्वे नहीं है, ये सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए उसकी अहमियत थोड़ी ज्यादा है। वन इन एवरी 3 एडल्ट एंड मोर देन 1/4 a portion of the men use any form of tobacco and consume alcohol in the past 12 months respectively. 1 in every 3 adult and more than 1/4 population they consume tobacco. Either in the form of cigarette, either in the form of khaini ya jarda jo bhi hoga, and alcohol in past 12 months. Aapko pata hai lockdown mein sabse zyada अगर कुछ बिका है पूरे इंडिया में तो अल्कोहल बिका हुआ है, सबसे ज्यादा का सेल अल्कोहल का हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना, ये जेन्युइन फिगर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर हमारी हैबिट्स गंदी रहेगी, अगर हमारी हैबिट्स हेल्दी नहीं रहेगी तो उससे काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और वही पॉइंट वहां मेंशन किया गया, दादा को हार्ट अटैक आ गया, दादा को हार्ट अटैक आ सकता है तो भाई हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, यू कैन इमेजिन दैट, एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट सिनेरियो। तो ये हेल्थ सर्वे, देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर को लेके 2 न्यूज हमने देखी। एक न्यूज में टेलीमेडिसिन की बात की गई थी और दूसरे न्यूज में हमारे पास सर्वे था, और ये भी चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करेगी, याद रखना भाई, गड़बड़ मत कीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एम्फेक्स की बात करेंगे। बड़ा सा सिंपल सा न्यूज है एम्फेक्स के, ये एम्फीबियस एक्सरसाइज है के, एम्फीबियस, एम्फेक्स का फुल फॉर्म है एम्फीबियस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया की ट्राय सर्विसेज के, मींस यहां पे नेवी भी आ गई, यहां पे एयरफोर्स भी आ गया और यहां पे इंडियन आर्मी भी आ गई, तीनों ने मिलके ये एक्सरसाइज की हुई है जिसका हमने नाम दिया हुआ एम्फेक्स। ओके, सो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के अंदर एक्सरसाइज हुई है। देखिए यहां पे कोई दूसरी कंट्री नहीं है, यहां पे इंडिया के 3 सर्विसेज है, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन आर्मी के। एम्फीबियस आपको पता होगा वाटर और लैंड दोनों मिलके एक्सरसाइज की गई है, जिसको एम्फीबियस एक्सरसाइज कहा जाता है, यह भी आपके लिए क्रूशियल पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है के? ना एक पॉइंट, सॉरी तभी ना, मुझे एक पॉइंट आपको बोलना था इसके पहले वाले न्यूज को लेके, बीइंग अ डॉक्टर आई विल टेल यू वन थिंग, हमारे कोई दोस्त थे हमारे रोज लेक्चर में आते, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पॉइंट बोला था कि सर आपके लेक्चर सुनते सुनते मैं ट्रेडमिल पे दौड़ते रहता हूं, के साथ में लेक्चर सुनता हूं, सो ही इज मैनेजिंग दैट। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि यार एटलीस्ट आधा घंटा लेक्चर के पहले लेक्चर के बाद जब भी हो आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, के उससे ब्रेन काफी फ्रेश रहेगा, थोड़ा सा जो थकावट होती है पढ़ाई कर करके वो बाहर निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा और पढ़ाई भी बड़ी अच्छी होगी, प्लस हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यहां पे मैं बींग अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, बींग अ डॉक्टर, बींग अ मेडिकल प्रोफेशन, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा, हेल्थ बनी रहेगी। भाई आपको ऑफिसर बनना है, देश आपके कंधों पे चलेगा, तो हम भी चाहते हैं कि आपके कंधे मजबूत रहे, तो अच्छे से थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, आधा घंटा विल बी इनफ। ओके, एम्फेक्स पे आते हैं कि अब हमारे देश के जवानों की बात करेंगे, ट्राय सर्विस एक्सरसाइज है कि रिसेंटली कंडक्ट की गई एम्फेक्स 21, याद रखेगा, या तीनों के तीनों यूनिट्स हमारे इन्वॉल्व है। अब देखिए, एक्सरसाइज इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ नेवल शिप्स,
amphibious troops of the army, different types of aircraft from the air force, they all participated and Andaman Nicobar Islands के अंदर ये चीज यहाँ पे हुई है, ये भी हमारे लिए काफी crucial और काफी important point है, ठीक है? That's it, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा। मुझे बताइए वो फ्रांस वाला एक्सरसाइज का नाम क्या था? के फ्रांस के साथ किया था हमने, हमने एक्सरसाइज की फ्रांस के साथ हमारे एयरफोर्स वालों ने, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया वो फ्रांस वाले एक्सरसाइज का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर डाल दीजिए। एम्फेक्स तो यहां पे किसी और के साथ नहीं, इंडिया ने खुद कंडक्ट किया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। के चलो चलो फाइन, ठीक है आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, चलो अच्छा आपका रिप्लाई देख के अच्छा लगा कि भाई आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो, बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या था, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर। नाउ हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस सेंटर को ओपन किया, इस सेंटर का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ओके, और ये सेंटर है हमारे हैदराबाद में डीआरडीओ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, यस डेजर्ट नाइट, एब्सोल्युटली डेजर्ट नाइट की हम लोग बात करते हैं, एब्सोल्युटली डेजर्ट नाइट 21, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है के, और आपने सही तरीके से आंसर दे दिया। अब यहां पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे एम्फेक्स वाला सिंपल क्वेश्चन था, यह भी सिंपल क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर रिसेंटली कहां इनॉग्रेट किया गया? डीआरडीओ का सेंटर है, डीआरडीओ ने सेंटर क्रिएट किया है, अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, यहां पे सेंटर क्रिएट किया गया है, दैट्स इट। अब देखते हैं, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन फैसिलिटी इज द सेट टू एनहांस कैपेबिलिटी टू डिजाइन एंड डेवलप कमांड कंट्रोल सिस्टम सरफेस टू सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो जो भी मिसाइल सिस्टम बनती है जो डीआरडीओ क्रिएट करता है इंडिजीनियसली, वो सारे अभी इस सेंटर के अंदर बनेंगे जो हैदराबाद के अंदर डीआरडीओ का। देखिए इंडिजिनाइजेशन, इंडिजीनियस वेपन हम लोग इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर डिफेंस के अंदर हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और वहां पे अगर हमारे पास कोई नया सेंटर है जहां पे ये मिसाइल्स क्रिएट किए जाएंगे और जिसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत क्रूशियल न्यूज है, याद रखना एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो ये डीआरडीओ का हैदराबाद फैसिलिटी वैसे सबको पता है, यहां पे ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, ना देखिए वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन एंड सेमिनार हॉल ऑन द कैंपस, एक हॉल भी ओपन कर दिया, ठीक है हॉल वॉल का नाम तो ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल ही ऑल्सो ब्रीफ अबाउट द वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जो डीआरडीओ ने उनको सारी चीजें बताई, दैट विल बी नाउ इनफ, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आयुष संवाद। आयुष संवाद नाम देख के समझ में आ जाएगा कि आयुष संवाद में आयुर्वेदिक संवाद की बात की गई है, आयुर्वेदिक के लिए यह संवाद क्रिएट किया गया था। इस बार का थीम था आयुर्वेदा फॉर COVID-19 पैंडेमिक, इस नाम से आयुष संवाद ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्वियसली आयुष मिनिस्ट्री यहां पे काम कर रही है, आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। मुझे बताइए राइट नाउ अभी के कंडीशन में आयुष मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? बिकॉज जो हमारे श्रीपाद नाइक साहब है के, उनका एक बहुत ही स्केरी सा एक्सीडेंट हो गया के, उनकी वाइफ की उसमें डेथ हो गई के, वो काफी बार बार बच गए के, तो अभी हम बात करते हैं कि वो तो अभी मिनिस्ट्री हैंडल नहीं कर रहे फिलहाल कुछ दिनों के लिए बिकॉज इज इन आईसीयू, उनके जगह पे ये आयुष मिनिस्ट्री किसके हाथ में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम डाल दीजिए कि कौन है जो यहां पे हैंडल कर रहा है। चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं, यस गाइस जल्दी बता दीजिए के आयुष संवाद में देखिए माय हेल्थ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस नाम से ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया कि आयुर्वेदा फॉर COVID-19 पैंडेमिक और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली 2017 में इसको क्रिएट किया गया कि 2017 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये न्यू दिल्ली में 2017 में क्रिएट किया और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। यस किरण रिजिजू साहब है कि ये यहां पे इंचार्ज है, ये इसको हैंडल कर रहे फिलहाल के, जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है इनको टाइम बीइंग के लिए आयुष मिनिस्ट्री हैंडल करने को दिया है के, और उन्हीं के अगुवाई में यह आयुष संवाद ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखेगा ठीक है। अब देखो यहां पे मोर देन 5 लाख लेक्चर्स विल बी ऑर्गेनाइज अक्रॉस द नेशन बाय आयुर्वेदा फिजिशियंस फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी न्यूज है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस आयुष संवाद के अंदर। आयुष संवाद आयुर्वेदा, ठीक है माय हेल्थ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी ये टैगलाइन है
आयुर्वेदा फॉर COVID-19 पैंडेमिक, ये थीम है, इसके भरोसे काम चल रहा है। के दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। के आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली के अंदर है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर यहाँ पे 5,00,000 लेक्चर ये पूरे साल में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे आयुर्वेदिक फिजिशियंस के तरफ से। के और ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई, दुनिया में इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन जहां पे 5,00,000 लेक्चर्स ऑर्गेनाइज होंगे, ये कहीं भी नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात वही थी, सबसे मेन पॉइंट वही था, बाकी सिंपल सा न्यूज है, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, नाउ दिस इज द बिग न्यूज, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखो। एडिबल ऑयल की बात करते हैं, एडिबल ऑयल जो खाने में हम लोग यूज करते हैं ऑयल, एडिबल ऑयल की बात की जाएगी। अब इंडिया के एडिबल ऑयल को स्ट्रांग बनाने के लिए, बिकॉज इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि एडिबल ऑयल बहुत बार हमें बाहर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंडिया में एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक मिशन प्रपोज किया है, और मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, याद रखना, यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल है। द मिशन हैज बीन प्रपोज फॉर द नेक्स्ट 5 years इन द स्पैन ऑफ 2021 to 2024-25। अनदर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने साल का मिशन है? 5 साल का मिशन है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यहां पे इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। ठीक है, चले, क्लियर है, ये मेन पॉइंट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते, अब देखते एडिबल ऑयल का सीन क्या है, ये मिशन क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ा। देखिए, द एनएमईओ कंप्राइजेस 3 सब मिशन, इसमें 3 सब मिशन है। देखिए यहां पे सीन क्या है, 3 सब मिशन है इस पूरे मिशन के अंदर। पहला, प्राइमरी सोर्स के एनुअल क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप एंड एडिबल जो सीड्स होते हैं उससे हम लोग ऑयल क्रिएट करेंगे। देन सेकेंडरी सोर्स, राइस ब्रांड ऑयल एंड द कॉटन सीड ऑयल, इसके ऊपर ध्यान रहेगा। और तीसरा, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये जो मेन मिशन है इसके अंदर 3 सब मिशन है। पहला, नॉर्मल सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से ऑयल क्रिएट करना। दूसरा, सेकेंडरी सोर्स से ऑयल क्रिएट करना। सेकेंडरी सोर्स में कॉटन सीड आते हैं, के राइस ब्रांड ऑयल आता है, ये सेकेंडरी सोर्स में आएगा। और तीसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड करना। कंज्यूमर अवेयरनेस है मींस हम जैसे लोग, के उनका यह कहना है कि पूरे साल में 19 kg पर पर्सन पर एनम इतना ही ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। ज्यादा ऑयल कंज्यूम करोगे तो भाई हार्ट के, दिल के प्रॉब्लम हो सकते हैं, दिल आपका सही रखना है के, तो आपको 19 kg पर पर्सन पर एनम उतना ही ऑयल कंज्यूम करना चाहिए या उससे कम। ये 3 तरीके से ये मिशन काम करेगा, याद रखना। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और ये 5 साल के लिए मिशन वर्क करने वाला है। एब्सोल्युटली राइट पॉइंट। अब देखिए सीन क्या है, द मिशन हैज बीन प्रपोज विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम 30.88 to 47.80 million tons ऑफ ऑयल सीड्स। गाइज, एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ये 5 साल का मिशन है, उस 5 साल के मिशन में कितना टन ऑयल सीड्स हमें इंडिया में प्रोड्यूस करने हैं, एम है हमारा 47.80, इतना हमें प्रोड्यूस करना है। और ये पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किया इस मिशन के अंदर कि 5 साल में ये फोकस रहेगा। दूसरा, इट सीक्स टू प्रोड्यूस 7 to 11 million tons ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम प्राइमरी सोर्स के जो नॉर्मल था। सेकेंडरी, जहां पे हम राइस ब्रांड ऑयल की बात करते हैं, कॉटन सीड ऑयल की बात करते हैं, वहां पे 7 million tons हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमने 2 और फोकस दिए। देखिए, ये ओवरऑल ऑयल सीड्स की बात हो रही है कि 47.80 million tons। देन हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स से 11 million tons तक जाएंगे एंड सेकेंडरी सोर्स से 7 million tons तक हम लोग जाने की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द फोकस ओवर हियर, ये फोकस दिया गया है, याद रखना भाई, गड़बड़ नहीं होना। एम ऑफ द मिशन बहुत मैटर करेगा। मैं वापस दिखा देता हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 5 साल का मिशन है के, दूसरा, ये मिशन को 3 सब मिशन में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, कंज्यूमर अवेयरनेस, 19 kg की बात की थी पर पर्सन पर एनम के। उसके बाद एम ऑफ द मिशन की बात करते हैं, एम में क्या है कि कितने ऑयल सीड्स क्रिएट करने हैं के, प्राइमरी सोर्स से कितना ऑयल क्रिएट करना है, सेकेंडरी सोर्स से कितना ऑयल क्रिएट करना है, इनके ऊपर हमने बात की है। ठीक है, अब देखिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि इंडिया में रेनफेड एरिया बहुत ज्यादा है, तो ऑयल सीड्स क्रिएट करने के लिए काफी तकलीफ जाती है के, दूसरा, प्रोडक्शन का उतना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है के, देन हाई सीड कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट एंड सोयाबीन और ग्राउंडनट का जो कॉस्टिंग है ये बहुत ज्यादा है, तो छोटा फार्मर इसको खरीद नहीं पाता है के, रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम है के, प्रॉपर अच्छे से इनकम नहीं मिलता, तो इन चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहेगा के, चलेगा ओके। ये भाई गाइस याद रखना के, नहीं, ऑयल कंजम्पशन इन इंडिया ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है हमारे हेल्थ के लिए।
आप आज देखो आप ओके हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के दो न्यूज देख लिए के अब हम ऑयल सीड्स की बात कर रहे हैं जहां पे कंजम्पशन से आपके काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं कि इनका क्या कहना है देश के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में। और बाय द वे ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बताई हुई चीज है तो एग्जाम के लिए बहुत मैटर करेगी। ठीक है, देखिए इन इंडिया देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 25 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल्स एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कंजम्पशन लेवल ऑफ 19 kg पर पर्सन एनुअली। अगर आप 19 kg पर पर्सन एनुअली लेते हो तो इंडिया को 25 मिलियन टन ये एडिबल ऑयल चाहिए कि इतना चाहिए। इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है तो हम बाहर कंट्री से लेके आते हैं और जो इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत महंगा हो सकता है। तो गवर्नमेंट कह रही है पहले ऑयल कम खाइए, सबसे पहली बात तो ऑयल कम खाइए, दूसरा हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करेंगे अच्छे से ताकि प्रॉब्लम कम हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ दिस 10.50 मिलियन टन आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, प्राइमरी सोर्स सोयाबीन, ग्राउंडनट के, रेपसीड, मस्टर्ड, देन नाइगर, सनफ्लावर, सैफ्लावर के ये है। देन सेकेंडरी सोर्स कोकोनट, ऑयल पाम, राइस ब्रैन, कॉटन सीड्स एंड ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स। तो यहां से हम 10.50 के हमारी रिक्वायरमेंट 25 मिलियन की है, उसमें से केवल 10.50 मिलियन ये इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारा बाहर कंट्री से लेके आते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 60% इंपोर्ट करना पड़ता है, मींस हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए ये मिशन 5 साल के लिए लॉन्च किया गया और ये हमारे लिए काफी क्रूशियल रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग की न्यूज बड़ी सिंपल है, अब जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूज थोड़ी डिटेल में जाना शुरू करेंगे। तो ऑयल सीड वाला भाई याद रखना, अभी देखना निर्मला जी बजट प्रेजेंट करेगी ना, उस बजट के अंदर निर्मला जी इसके ऊपर बात करने वाली है, इस ऑयल सीड मिशन के ऊपर। और तब जब निर्मला जी बात करेगी बजट के अंदर तब आपका सीरियसनेस शायद बढ़ेगा कि उसके पहले ही पढ़ के रख लीजिए तो आपको बजट में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी एग्जाम रहे वो क्वेश्चन आने वाला है। याद रखना एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में डाल दिया था कि फिलहाल बहुत चर्चा में चल रहे, कल भी थोड़ा दिल्ली में इश्यू हो गए थे, उस इश्यू के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते, भारत पर्व की बात करते 2021। पाम ऑयल, देखिए मैम इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशंस, हर ऑयल हर किसी के लिए सूट नहीं करता, हर ऑयल हर किसी को सूट नहीं करता। एलर्जिक रिएक्शंस, आपकी बॉडी कैसे है, कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। किसी दिन मैं डॉक्टर के भेस में आ जाऊंगा अपना एप्रन पहन के, उस दिन बात कर लेंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए के ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो मैं किसी दिन एप्रन पहन के आता हूं, उस दिन बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते भारत पर 2021 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एनुअल हमारे कंट्री में भारत पर्व नाम का हम एनुअल इवेंट रखते हैं जो हर साल 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। कि इस बार हमारे जो लोकसभा स्पीकर है कि उनके हाथों से यह अनावरण किया गया भारत पर्व 2021 का। ध्यान रखिए कि आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बार ना थीम चेंज हो गई, पहले हमारी थीम थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बार हमारी थीम में एक नया वर्ड ऐड हुआ है, आत्मनिर्भर भारत एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इस नाम से भारत पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। नॉर्मली थीम पता है ये नहीं था, नॉर्मल में केवल था एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी नया वर्ड हमने ऐड कर दिया है और जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब देखिए अंडर द वर्चुअल इवेंट द थीम पेवेलियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी विल बी शोकेस देयर टूरिज्म डेस्टिनेशन हैंडीक्राफ्ट के एंड ऑल इनॉग्रेटेड बाय ओम बिरला साहब। ओके, नॉर्मली हमारी जो लाल किला है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे काफी लोग उसको विजिट करते हैं इस भारत पर्व को, बट इस बार सब कुछ वर्चुअली हो रहा है बिकॉज लॉकडाउन है, COVID-19 का प्रॉब्लम है। सो लॉकडाउन तो नहीं पर COVID-19 का प्रॉब्लम है, इसलिए इस बार वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, नहीं तो ये काफी बेहतरीन इवेंट होता है। कि कभी अगर आपको मौका मिले नेक्स्ट ईयर जब मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा, मैं सजेस्ट करूंगा जरूर जाइए, बहुत सारी चीजें पता चलती है। और जिनका यूपीएससी का एग्जाम है ना या जिनके एग्जाम में कल्चर आता है आर्ट एंड कल्चर, भाई आप लोग तो जाना ही चाहिए, देख के आइए, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सारा इंडिया का कल्चर वहां पे मेंशन किया जाता है और बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन होती है। ये सारा ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है। 2016 से ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था कि और काफी बेहतरीन है, पेट्रियोटिक फेवर होता है कि एक देश की भावना जागृत होती है और इंडिया का सारा कल्चर के सारे डांस फॉर्म्स, म्यूजिक फॉर्म्स, इवन खाने पीने की चीजें भी यहां पे ऑर्गेनाइज होती है, बस इस बार वर्चुअली है, दैट इज द ओनली सिनेरियो। एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मुझे बताइए हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है,
सकते हैं, बिकॉज उनके मिनिस्ट्री सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, उनके मिनिस्ट्री के अंडर ये सारा काम होता है। तो मुझे बताइए हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है। कल भी न्यूज में चल रहे थे लाल किले पे कुछ गलत एक्टिविटी हुई कल के, तो उसके वजह से कल वो न्यूज में चल रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे मिनिस्टर कौन है, उनके अंडर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, बताइएगा मुझे। चलो जल्दी से देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं। The Central Ministry and the other organizations such as Ministry of Culture, Ministry of Ayush, Media, IB Industry, Railway Ministry, Consumer Affairs, ये सारी ministries भी यहाँ पे participate करती है। ये सब लोग भी होते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के, National Museum, National Gallery for Modern Arts, ये सब लोग participate करते हैं। पर यहाँ पे इंचार्ज अपेक्स अथॉरिटी ये हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री है। और यस प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद जोशी जी नहीं है, प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ पे है। यस 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 प्रहलाद सिंह पटेल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युट राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, अब देखिए ये भारत पर्व की बात करेंगे के वर्चुअल इवेंट भारत पर्व ग्लिम्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑफ द आर्म फोर्सेस म्यूजिकल बैंड से सब कुछ रहेगा के मैनेजमेंट एंड द इंडियन क्लूनरी इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो डिस्प्ले द क्लूनरी डिलाइट्स रेसिपी थ्रू वीडियोस सब कुछ रहेगा। और इस बार अच्छा फायदा क्या है, इस बार वर्चुअली है तो घर पे बैठ के भारत पर्व को एंजॉय कर सकते हैं के। तो मैं कहूंगा आपको, सजेस्ट करूंगा कि भाई एक बार गो थ्रू कीजिए, बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है तो ये पॉइंट याद रखना ना। पब्लिकेशन डिविजन ऑफ प्रसार भारती ये भी पार्टिसिपेट कर रही है, द फर्स्ट वर्चुअल इवेंट विरासत शब्दों की भाव भारतीय भारतीयता का के इस थीम से प्रसार भारती के जो हमारा उसका पब्लिकेशन डिवीजन है ये भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान रखना सबसे नीचे विरासत शब्दों की भाव भारतीयता का के इस थीम के भरोसे प्रसार भारती ने भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया हुआ है, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ओके देखिये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हमारी नॉर्मल थीम है, उसमें आत्मनिर्भर भारत को हमने एड कर दिया और इसको और बड़े लेवल पे लेके गए। स्वच्छ भारत, सशक्त भारत के, बापू के सपनों का भारत, ये सारे एग्जीबिशंस, फोटोज, वीडियोस, ये सारे फंक्शंस यहां ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और सबसे नीचे विरासत शब्दों की ये वाला भी एक पॉइंट याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्रूशियल रहेगा। के चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। इंडिया यूके कोऑपरेशन अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बड़ा सिंपल सा न्यूज है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा न्यूज है कि एग्जाम में भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए एग्रीमेंट साइन किया है या कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे, बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19 का नया स्ट्रेन उनके कंट्री में आ गया, उनके कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे वक्त में इंडिया आना जायज नहीं होता। बट स्टिल इंडिया यूके ने एक एग्रीमेंट साइन किया और वो एग्रीमेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, जो हमारे लिए काफी क्रूशियल है। कहते याद रखना इंडिया और यूके की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है। एक और चीज मुझे बताइए, बोरिस जॉनसन साहब ने मोदी साहब को एक फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज एक फंक्शन के लिए इनवाइट भेजा हुआ है, एज अ गेस्ट इनविटेशन को भेजा गया है। हम उस ग्रुप के मेंबर नहीं है पर फिर भी हमको बुलाया गया कि आप आ जाइए, कि हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन तीनों कंट्री को बुलाया गया है और वो तीनों को इन्विटेशन बोरिस जॉनसन साहब की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। मुझे बताइए वो कौन सा ग्रुप है जिस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें इनवाइट किया गया है, वो भी एक पॉइंट जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए। ठीक है चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। चलो फटाफट आंसर बताइए। यहां पे सिंपल सा न्यूज है, इस न्यूज में ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूके के एंड इंडिया की हम लोग बात करते हैं। ठीक है चलो यस G7 की बात करेंगे, जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए G7 में कौन सी कंट्री आती है, बिकॉज वी डिस्कस दैट, हमने डिस्कस किया हुआ है कि G7 में कौन सी कंट्री आती है। हम भले ही G7 का पार्ट ना हो पर हमें इनविटेशन मिला हुआ है और उस इनविटेशन को लाइक हम रिस्पेक्ट करते हुए हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज अ गेस्ट के। मुझे बताइए G7 के ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। के चलो यस गाइस लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं। चलो फाइन, देखिए दोनों कंट्रीज दे आर गोइंग टू हेल्प इच अदर। ओके टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे नाउ। अब इंग्लैंड में भी काफी अटैक्स हुए, इंग्लैंड के अंदर भी काफी चीजें हुई है, काफी इंपैक्ट हुआ। यू कैन सी इंडिया यूके काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात करेंगे, जब लंदन में अटैक हुए थे, जब लंदन के मेट्रो में अटैक हुए थे, मुंबई के अंदर अटैक हुआ था, तो दोनों कंट्री ने एक दूसरे को काफी हेल्प वो टाइम पे भी की थी और अभी भी ये हेल्प चलेगी। एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ काउंटर टेररिज्म ग्रुप हमारा है कि जो लंदन के अंदर काम करता है, उस ग्रुप के अंदर इंडियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट
सिनारियो। यस, कनाडा, यूएस, जापान, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना कहां से आ गया भाई? अर्जेंटीना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अर्जेंटीना को बीच में मत लाइए। फ्रांस है, यूएस है, जापान है, इटली है, यूके, कनाडा, जर्मनी, ये कंट्रीज यहां पे आएगी। एब्सोल्युटली रशिया नहीं है, के कनाडा डाल दीजिए। अर्जेंटीना कहां से आ गया भाई? यूएस वहां पे है, याद रखना, इटली वहां पे है, ये कंट्रीज है जो हमारी आती है उस G7 के अंदर। के चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं इसको 5 स्टार दूंगा, 5 स्टार न्यूज है, याद रखिए। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, सबसे पहली चीज, ये इंडेक्स दिया किसने? दिस इंडेक्स इज गिवन बाय जर्मन वॉच, एक एनजीओ है, के जर्मनी में एनजीओ है, बॉन नाम की सिटी है जर्मनी में, बड़ी खूबसूरत सिटी है के बॉन नाम की, उस सिटी के अंदर जर्मन वॉच नाम का एनजीओ है और उस एनजीओ ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिया हुआ है के क्लाइमेट प्रॉब्लम के वजह से कौन सी कंट्रीज में इश्यू हुए, कौन सी कंट्री रिस्क के ऊपर है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके लिए ये प्रॉपर सर्वे दिया गया। इंडिया हैज बीन रैंक 7th पोजीशन अमंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। के इंडिया में बहुत सारे साइक्लोन्स आए, के इंडिया में बारिश का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इंडिया 7th रैंक पे आती है वर्स्टली अफेक्टेड या मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी न्यूज है इंडिया के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? मोजम्बिक, मोजम्बिक नाम की कंट्री है, मोजम्बिक, देन जिम्बाब्वे, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू जर्मन वॉच। उसके बाद हम बात करेंगे बहामास की, फिर बात करेंगे जापान की, ये भी काफी अफेक्टेड है, के देन मालावी नाम की कंट्री है, देन अफगानिस्तान है, के ये कंट्रीज ज्यादा अफेक्टेड है, और बाद में इंडिया की बात आती है। तो मोजम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मालावी, अफगानिस्तान और बाद में इंडिया। अब आपको ये बीच वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको भूल गए तो भी चलेगा, मोजम्बिक और जिम्बाब्वे और बाद में इंडिया 7th रैंक पे आता है जो काफी अफेक्टेड है, ये पॉइंट यहां मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, एज पर द रिपोर्ट मॉनसून कंटिन्यूड फॉर अ मंथ लॉन्गर देन द नॉर्मल इन इंडिया। नॉर्मली अपना मॉनसून काफी लॉन्गर टाइम के लिए है, अगर मॉनसून लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा तो काफी प्रॉब्लम होगी, काफी बाढ़ आएगी और काफी लोग बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, नियर अबाउट 1800 लोगों की डेथ हुई है 14 स्टेट्स में, के और कम से कम 1.8 मिलियन लोग हैं जिनको अपने घरों से डिस्प्लेस होना पड़ा बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। तो ये फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट के अंदर मिली है, जर्मन वॉच का ये रिपोर्ट है, याद रखिए, ठीक है। नाउ आगे देखिए, एज पर द रिपोर्ट 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केम इन इंडिया, 8 साइक्लोन्स इंडिया के अंदर आए थे, 8 साइक्लोन्स। ओके, फैनी नाम का साइक्लोन था जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर गया इंडिया और बांग्लादेश को, काफी लोगों की डेथ यहां पे हुई है, काफी लोगों के घर बर्बाद यहां पे हुए थे, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मेंशन। अब देखिए, फॉर द पीरियड 200 to 14 द इकोनॉमिक लॉसेस ऑन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी अकाउंट फॉर 2.56 ट्रिलियन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर, वेदर एक्सट्रीम होने की वजह से 2.56 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, ये भी पॉइंट मेंशन किया गया, पर 2000 से लेकर 2014 तक की बात है, ये पॉइंट यहां मेंशन किया गया है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करेंगे, देखिए एनुअली जर्मन वॉच उसको प्रेजेंट करती है कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन और उसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर कितना हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, ये सारी चीजें जर्मन वॉच बताती है, और ये बड़ा यूनिक रिपोर्ट है बिकॉज ऐसा रिपोर्ट और कोई नहीं देता है, ये केवल ये लोग देते हैं, इसलिए काफी मैटर करेगा। कि नाउ उनका अपना खुद का एक ना सैटेलाइट है के नेट कैट सर्विस नाम से, के उस सैटेलाइट के रिपोर्ट को यूज करके ये लोग अपना खुद का रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, अपना सर्वे क्रिएट करते हैं। 1991 में इस एनजीओ को क्रिएट किया गया था जिसका नाम है जर्मन वॉच, बॉन जर्मनी के अंदर, और वहां से डेटा हमारे पास आता है। वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री मोजम्बिक है, बाद में जिम्बाब्वे, इंडिया 7th रैंक पे आता है, ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी हमारे लिए काफी क्रूशियल रहेगा, ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़ते, नाउ लास्ट न्यूज के ऊपर आएंगे, लास्ट न्यूज, वापस एक बार हम इलॉन मस्क की बात करते हैं। भाई ये मस्क साहब ना अलग अलग छाए हुए हैं, के अब इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि एक लॉन्चिंग में 143 सैटेलाइट्स को उन्होंने सिंगल रॉकेट में लॉन्च किया। इसके पहले का रिकॉर्ड इंडिया का था, इसके पहले का रिकॉर्ड इंडिया का था कि हमने एक सैटेलाइट में, सॉरी एक रॉकेट में 104 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए थे 2017 में। उसके बाद ये रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले मस्क आपका स्पेसएक्स नाम की जो कंपनी है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि एक रॉकेट में 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है बिकॉज इन्होंने रिकॉर्ड भी हमारा ब्रेक किया है। अगर हमारा रिकॉर्ड कोई ब्रेक कर रहा है तो पता तो रखना पड़ेगा और ये न्यूज में आएगा। भाई साहब आजकल बहुत छाए हुए कि अभी वो इंटरनेट कनेक्ट
कनेक्टिविटी के अंदर भी काम करने वाले हैं और इस तरीके से काम करेंगे कि पूरे दुनिया में प्रॉपर बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरनेट कनेक्टिविटी चलने वाली है। तो मुकेश अंबानी साहब के एम्पायर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ही इज गोइंग टू वर्क नाउ। तो पॉइंट याद रखना, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा कि छोटे बड़े सैटेलाइट टोटल दे हैव लॉन्च 143 सैटेलाइट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसएक्स नाम की उनकी कंपनी है के देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन जिसको स्पेसएक्स कहते हैं के और इस कंपनी को 2002 में इलॉन मस्क ने क्रिएट किया था 2002 में के और उसी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है याद रखना और इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। फाल्कन 9 नाम का रॉकेट है के उस रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया गया तो फाल्कन 9 ये रॉकेट का नाम दिया गया है और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं देखा तो भी चलेगा दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। ओके इतना एक पॉइंट था जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है के सो दैट्स इट। सो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि वी आर कुछ दो तीन दिन के लिए हम एमसीक्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे के तो हम उसके बाद सारे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कर, अभी न्यूज से गो थ्रू करना। आज की बहुत सारी न्यूज बहुत मैटर करती है तो जब आपको पीडीएफ मिलेगा प्लीज उसको एक बार एक दो बार रिवाइज कीजिए। कहीं भी कुछ इश्यू है कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो कल सुबह 7 बजे वापस मिलेंगे तब हम और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर भी प्रॉपर तरीके से दिए जाएंगे ठीक है। चलो गाइज तो यहाँ पे रुक जाते हैं। इम्पॉसिबल इज नथिंग ये पॉइंट याद रखेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल तो अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आप जा सकते हो और अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हो ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे कल सुबह के सेशन में 7 बजे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स इन अ प्रॉपर मैनर ठीक है। चलो बाय बाय टेक केयर के सेफ रहिए सुरक्षित रहिए के और पढ़ाई करते रहिए बिकॉज पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको ऑफिसर बनना है के तो सब ऑफिसर को वापस एक बार बाय बाय टेक केयर चलो